ये जोड़ी 40 की जोड़ी दे रहे हैं मुल्लापुर मंडी से जी। कितनी 60 से 70 नग खरीदे माशाल्लाह, जिसमें महाराष्ट्र वालों के 25-30 नग है जी। उसके बाद में मेरे गिल स्टॉक फार्म के नग है जी, उसके अंदर कुछ मेरे नग है। यो तो चैनल पे से फोन आ चुके कि भाई ये बकरा तुम पाकिस्तान पहुंचा दोगे, ये बकरा सऊदी पहुंचा दोगे जी। तो अल्लाह का शुक्र, यानी बाहर भी जागरूकता हो रही है कि भाई इंडिया में माशाल्लाह इतनी अच्छी भीड़ है जी। और पहुंचाने वाले भीड़ को तो आप लोग ये माशाल्लाह आपका ही शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। शुक्रिया। इसका जो पूरा वो जाता है तो आपकी तरफ ही जाता है, क्योंकि लोगों को अगर नहीं तुम सच दिखाते तो नहीं लोगों को मालूम पड़ता, क्योंकि इतने सालों में लोगों को बीटल क्या चीज है पता ही नहीं थी। भाई सब दर्शकों को ये बताइए, हर आदमी वीडियो देखता है कि आप आने के बाद में आपका खर्चा कितना हुआ है, हमारे पास रहने के बावजूद खाने का कितना खर्चा हुआ, गाड़ियों का क्या खर्चा हुआ, ये बताइए आप लोगों को। अभी एक हफ्ता हो गए हम यहाँ पे आए हुए, दो लोग हैं हम जी, भाई और अभी तक रहने का खाने का ये जो खर्चा है तो अभी तक एक चवन्नी भी हमारे जेब से नहीं गई हुई है, जो कुछ भी है नजीर भाई ने सब संभाला हुआ है। रात का बच्चा है, अभी 4 कर रहा है, जिसे बहुत बड़ा बकरा बन जाएगा माशाल्लाह, अभी 55-60 केजी वजन रहेगा माशाल्लाह। देखिए डबल हड्डी और ढीला बदन, बेल लंबी, ये देखो माशाल्लाह, ये खीरा बच्चा है, क्वालिटी देखो माशाल्लाह कान की, ये बच्चा 4 दांत है, इसके कान की क्वालिटी देखिए माशाल्लाह। जो बच्चे बोल देंगे एक लंबर बीट, लोग बोलते हैं ना हमें यार चीज नहीं मिलती, तो हमारे पास पहुंचे, मुल्लापुर पहुंचे, हमारे पास जगरावा पहुंचे, इंशाल्लाह ऐसी ही चीज देखने को मिलेगी। जो भी ईमान वाले हैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि नमाज के वक्त मैं एक दावत देना चाहूंगा, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ी चीज तो हूं नहीं, बस ये दावत देना चाहूंगा अल्लाह की तरफ से, जब नमाज का वक्त हो चाहे हमारा कितना ही बड़ा काम रह लो, आज शर्मा जी हमारा एक शोर डालेंगे नमाज का जी। लोग ये नहीं सोचना दिल में कि भाई नमाज पढ़ रहे बोल के लोगों को दिखा रहे, वो हमारे दिल में नहीं है, सिर्फ एक दावत का जनून है दिल में कि भाई हमारी तरफ से किसी को दावत पहुंचे, अगर एक को भी हिदायत मिल गई तो अल्लाह हमारा बेड़ा पार कर देगा। तो ये कहूंगा मैं कि हर वक्त पांचों वक्त कोई नमाज ना छोड़े, नमाज की बहुत अहमियत है। आज नमाज की वजह से अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा है, इतने बड़े हादसे से मुझे बचाया है। उस टाइम भी मैं पांचों वक्त की नमाज पढ़ता था जो अल्लाह ने बचाया है, क्या पता नमाज की वजह ही बचाया है। तो मैं सब भाइयों को यही दावत देना चाहूंगा कि भाई पांचों वक्त की नमाज पढ़े और सब अच्छे से रहे और खुश रहे भाई साहब। वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन ऑल पे कर दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद। फार्मिंग बाबा चैनल देख रहे सभी किसान भाइयों और बहनों को प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। दोस्तों मुल्लापुर बकरी बाजार से वीडियो शूट कर रहे हैं। आज नजीर खान भाई ने जो बकरी बाजार से धड़ाधड़ बकरियां टॉप क्वालिटी की लपेटी है और बकरे वो दिखाएंगे आपको। खान साहब स्वागत है आपका फार्मिंग बाबा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब भाई साहब। और सबसे पहले मैं बाबा फार्मिंग चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, माशाल्लाह जो सच्चाई दिखाते हैं और लोगों को लाइव सौदे दिखाते हैं माशाल्लाह, उससे कोने कोने में हिंदुस्तान के सबको पता लगता है, और माशाल्लाह हिंदुस्तान ही नहीं कहूँगा बाहर देश में भी लोगों को पता लगता है। शुक्रिया, कुछ अल्लाह का शुक्र है, सऊदी से फ़ोन आते हैं, केरला से फ़ोन आते हैं, ये अपना खुदा तुम्हारा भला करे, जो बाहर के देश है कनाडा हो गया जी, है दुबई हो गई, पाकिस्तान से हो गया, फोन आते हैं कि भाई माशाल्लाह तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो जो लाइव दिखा रहे हो, और ये बकरियां देखने को मिलती नहीं है। दसियों तो चैनल पे से फोन आ चुके कि भाई ये बकरा तुम पाकिस्तान पहुंचा दोगे, ये बकरा सऊदी पहुंचा दोगे जी। तो अल्लाह का शुक्र, यानी बाहर भी जागरूकता हो रही है कि भाई इंडिया में माशाल्लाह इतनी अच्छी भीड़ है जी, और पहुंचाने वाले भीड़ को तो आप लोग ये माशाल्लाह आपका ही शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। शुक्रिया। इसका जो पूरा वो जाता है तो आपकी तरफ ही जाता है, क्योंकि लोगों को अगर नहीं तुम सच दिखाते तो नहीं लोगों को मालूम पड़ता, क्योंकि इतने सालों में लोगों को बीटल क्या चीज है पता ही नहीं थी। आज माशाल्लाह दुनिया की नंबर वन भीड़ हो गई है, पाकिस्तान वालों का पता था सबको भाई इतनी बड़ी बीटल मिलती है इतने दूध की 30 लीटर, लेकिन उससे बढ़िया बीटल अपने यहाँ पड़ी ये किसी को नहीं पता था। माशाल्लाह अब सबको पूरा पूरा मालूम भी हो गया, और माशाल्लाह माल उतना जा भी रहा है जी। और जी माशाल्लाह मैं ये कहना चाहूंगा आज मुल्लापुर मंडी के बारे में, ये माशाल्लाह पूरा कैमरा मारो, 70-80 बकरी आज मैंने खरीदी है मुल्लापुर मंडी से जी। कितनी 60 से 70 नग खरीदे है माशाल्लाह, जिसमें महाराष्ट्र वालों के 25-30 नग है जी। उसके बाद में मेरे गिल स्टॉक फार्म के नग है जी, उसके अंदर कुछ मेरे नग है, कुछ रियासत भाई के नग है, उसके अंदर मिला के 70-80 नग है माशाल्लाह जी टोटल। कुछ यूपी के से भाई आई हुई पार्टी है, उनके 10-12 नग है माशाल्लाह, और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी टॉप क्वालिटी, जिसको बोलते हैं टॉप क्वालिटी, बहुत अच्छा माल मिला है माशाल्लाह। नंबर वन पे मंडी हमारी आ चुकी है, जिसमें हमारे असलम भाई ने बहुत मेहनत की है, ये मंडी बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है,
क्योंकि इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अगर ये शुरू में हिम्मत हार जाते, क्योंकि मुझे पता था ये जंगल हमारा 20 साल का जंगल है और भाई की तो पूरी उम्र लग गई इसमें जी। मेरे को तो खाली 20 साल हो गए, भाई को 40-45 साल इसी में लग गए। इस जंगल से टॉप मोगा जगरावा जो जितना मलेर कोटले तक का एरिया है सबसे टॉप क्वालिटी का बकरी में कहलाया जाता है, जिसमें लंबर वन बीट जियो से मैं बोलूंगा आज तक दुनिया का कोई इतना बड़ा बकरा मैंने पूरी दुनिया में यानी कि 22 साल में आज तक देखा नहीं। जो पिछली मंडी आपने लोगों को दिखाया पाकिस्तानी बीटल दो दांत का बच्चा जो मैंने खरीदा है आज तक पूरी किसी मंडी में किसी गांव में मेरे को देखने को नहीं मिला। माशाल्लाह वो चीज मुझे यहाँ पे मिली है, तो ये सोच लो उससे आइडिया लगता है कि भाई यहाँ क्या चीज आती है क्वालिटी की और क्वालिटी क्या रहती है। और राजू भाई है ये भी बता दें कि इन्होंने खुद इनकी जिंदगी लग गई इस काम में, इन्होंने भी खुद देखा नहीं ऐसा बकरा जी। तो ब्रीड के वास्ते मैं आज ब्रीड कुछ नग दिखाना चाहूंगा जिसको तोहफे बोलते हैं, जो ब्रीड लाइन के तोहफे बोलते हैं। तो सब भाइयों से यही कहूंगा, दर्शकों से, जो बाहर की पार्टी महाराष्ट्र केरला कर्नाटका जम्मू तुम्हारा हिमाचल राजस्थान सबसे यही दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि भाई मुल्लापुर मंडी पहुंचो, अगर आपको कोई भी सुविधा चाहिए तो मेरा भाई रियासत मेरा असलम भाई हमारे लिए तुम्हारे लिए दरवाजे खुले हैं। कोई खाने का पैसा नहीं, कोई बकरी का रखने का कोई चार्ज नहीं, जितनी हेल्प चाहिए उतनी हेल्प आपको फ्री में मिलेगी। गाड़ी में घुमा के गाड़ी का पूरा खर्चा मेरा रहेगा, पूरा पंजाब उसको घुमाएंगे, जहाँ उसको जाना है वहाँ घुमाएंगे, उसका कोई खर्चा डीजल का नहीं लिया जाएगा, कोई पैसा उसका रुपया भी खर्चा नहीं होगा। महाराष्ट्र के पार्टी आई भी आप इससे पूछ सकते हैं, लोग बोलते हैं यार बोलने की बात है, बोलने की बात नहीं, वो खुद अपनी मुजबानी बताएंगे, उनसे एक रुपया भी हम खर्चा कराते हैं क्या। आप हमारे से माल लेना चाहे ले सकते, नहीं लेना चाहे आप अपना खुद माल खरीद सकते हो। अगर मेरे से माल खरीदी करवाएंगे मेरा कहना है भाई मैं सीधा 2000 रुपए लेता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह नग ऐसा दिलाऊंगा कि उसमें 5000 के फायदे का रहेगा, चाहे वो 50000 के फायदे का रहने दो जी, वो आपका होगा। अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप हमारे पास रुके, हमारी मंडी करे, सारी मंडी करे पंजाब की, उसके बावजूद सारा घूमने का खर्चा हमारा, रहने का खर्चा हमारा, हर चीज का खर्चा हमारा जी। हाँ, पूरी मदद हेल्प करेंगे हम इंशाल्लाह। बकरियां भी दिखाएंगे, थोड़ी सी बात हम असलम खान जी से भी कर लेते हैं। खान साहब स्वागत है आपका भी। नमस्कार सर, बताएं जरा आज कैसा रहा मंडी? आज मंडी बहुत बढ़िया रही जी। जो मतलब व्यापारियों से हम भी शुरू से मिलते हैं, कोई आज से नहीं 50 साल से जी, लेकिन जो तजर्बा हमारे भाई को नजीर को है जी, मैंने आज तक ऐसा तजर्बे का आदमी नहीं देखा जी। एक मिनट में देख लेता है कि ये बकरी चीज क्या है जी। सबसे बड़ी चीज यही होती है जी। क्यों लोग ही फिर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, पैसे के पीछे भागे हुए हैं, लेकिन नजीर भाई की मैं एक सिफत करता हूँ और मैं इसलिए इनको मानता हूँ कि जो सही चीज है ये 1000 बकरी में भी बकरी पकड़ लेता है जी। और अल्लाह चाहे जो भी बकरी पकड़ेगा, जो इसके अंदाजा होगा उससे 21 निकलेगी, 19 नहीं निकलेगी जी। हम भी करते हैं लेकिन मैं कहता हूँ सब इसके नीचे हैं। क्या बात है। हाँ। पार्टी से भी थोड़ी सी बात करा देते हैं जो भाई के साथ आए हैं, विकास भाई क्या हालचाल है जी? बस ये हकीकत है, बताएं जरा गांव कौन सा है आपका और कब आए थे? हम महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं जी, और एक हफ्ता हो गया हम यहाँ पे आए हुए जी। तो नजीर भाई साहब ने हमें 2-3 मंडी में सिर्फ घुमाया, उन्होंने बोला अभी खरीदारी मत करो, पहले यहाँ का मार्केट देखो, कीमतें जान लो, उसके बाद हम खरीदारी करते हैं। तो पिछले 3-4 मंडियों में हम सिर्फ भाई के साथ घूम रहे थे और आज हमने 20-22 नग यहाँ पे खरीद लिए है और काफी टॉप क्वालिटी, मतलब जिस बीटल को खरीदने के लिए हम यहाँ पे आए थे जी, वो बीटल आज हमको मिला है यहाँ पे। हाँ, तो बहुत बहुत खुश है, मन खुश है बहुत है? बहुत अच्छा। मंडी में प्रबंध कैसे लगे, आप घूमे हो आज? मंडी में काफी अच्छा प्रबंध है, यहाँ पे पीने का पानी भी अपने को जगह पे मिल रहा है, जहाँ पे आप होंगे वहाँ पे पानी पूछने के लिए लोग आ रहे हैं, पानी पियेंगे और खाने पीने का, बाकी बहुत ही अच्छा। बाकी आप हमारे साथ रहे विकास भाई, सब दर्शकों को ये बताइए, हर आदमी वीडियो देखता है कि आप आने के बाद में आपका खर्चा कितना हुआ है, हमारे पास रहने के बावजूद खाने का कितना खर्चा हुआ, गाड़ियों का क्या खर्चा हुआ, ये बताइए आप लोगों को। नहीं, अभी एक हफ्ता हो गया हम यहाँ पे आए हुए, 2 लोग हैं हम जी, भाई और अभी तक रहने का खाने का ये जो खर्चा है तो अभी तक 1 चवन्नी भी हमारे जेब से नहीं गई हुई है, जो कुछ भी है नजीर भाई ने सब संभाला हुआ है भाई। पूरी गाड़ी का अल्लाह का शुक्र है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं अपनी बड़ाई करना चाह रहा हूँ, बड़ाई की बात नहीं है, कोई भी मेरे पास पहुँचो जितनी हमारे से इंसानियत के नाते हेल्प होगी उतनी हेल्प करेंगे, गाड़ी में डीजल डाल के पूरा पंजाब घुमाएंगे इंशाल्लाह। बड़ी बात नहीं कहेंगे, अल्लाह से डर के तौबा करके कहेंगे।
क्योंकि ये हमारे भाइयों का साथ है। असलम भाई मेरे साथ में, रियासत भाई मेरे साथ में जुड़े हुए हैं माशाल्लाह। उसके बाद गिल स्टार्ट फार्म सुखपाल साहब हमारे जो है पार्टनर है मेरे, वो भी साथ में जुड़े हुए हैं। तो माशाल्लाह इन लोगों का मेरे साथ साथ है। इन्होंने क्या रखा है, चाहे आदमी 100 बंदे आन दो, चाहे 2 बंदे आन दो, रहने का इंतजाम, खाने का इंतजाम, घूमने का इंतजाम हमारी तरफ से रहेगा। जी क्या बात है। तो खान साहब दिखाएं 2-3 हम बढ़िया चीजें दिखा दो आज। जी देखो माशाल्लाह ये दिखा दो, एक लंबर टॉप क्वालिटी ब्रीड, देखो बच्चा माशाल्लाह शेरा कलर है, टॉप क्वालिटी, देखो कितनी कान की लेंथ है। लोग बोलते हैं कि भाई लेंथ में बकरे नहीं मिलते हमें, जिसको क्वालिटी बोलते हैं माशाल्लाह टॉप क्वालिटी का बच्चा है, जो आगे बहुत बड़ा ब्रीडर बनेगा, जिसको टॉप क्वालिटी बोलते हैं माशाल्लाह। ये देखो 2 दांत का बच्चा है, अभी 4 कर रहा है, जिसे बहुत बड़ा बकरा बन जाएगा माशाल्लाह। अभी 55-60 केजी वजन रहेगा माशाल्लाह। देखिए डबल हड्डी और ढीला बदन, बेल लंबी, ये देखो माशाल्लाह, ये खीरा बच्चा है, क्वालिटी देखो माशाल्लाह कान की। ये बच्चा 4 दांत है, इसके कान की क्वालिटी देखिए माशाल्लाह। जो बच्चे बोल देंगे एक लंबर ब्रीड, लोग बोलते हैं ना हमें यार चीज नहीं मिलती, तो हमारे पास पहुंचे, मुल्लापुर पहुंचे, हमारे पास जगरावा पहुंचे, इंशाल्लाह ऐसी ही चीज देखने को मिलेगी, टॉप लंबर 1 और रिजनेबल रेट में। ऐसा नहीं कि भाई अगर 10,000 की चीज है तो 10,000 की मिलेगी, लाख की चीज है तो लाख की मिलेगी, 20,000 की चीज है तो 20,000 की मिलेगी। कोई फंसाने वाला धंधा नहीं होगा इंशाल्लाह, कोई ऐसा काम नहीं होगा। पटी भी दिखाऊंगा, बकरा दिखाओ पीछे 2 दांत ये देखिए माशाल्लाह, कान देखो जैसे बम्बई का होता ना, बम्बई का ढाका पान मशहूर था, ये माशाल्लाह 2 दांत बच्चा था, तीसरा दांत लगा रहा है। राजू कान दिखाओ, देखो क्वालिटी माशाल्लाह, चेहरा देखो क्वालिटी, देखिए भाई ये देखिए कान की क्वालिटी माशाल्लाह, 2 दांत बच्चा है, अभी तीसरा दांत लगाया है, जो बोले एक लंबर क्वालिटी का बच्चा है माशाल्लाह। जी छोड़ना छोड़ना राजू भाई, पट्टी दिखा राजू, 2-2 दांत की पट्टी दिखाओ माशाल्लाह क्वालिटी। देखिए झालर पट्टी कितनी शानदार, ये देखो वहाँ दिखाएं जरा, बहुत अच्छी क्वालिटी, दिखाओ जरा कान कौन दिखाओ भाई ने खरीदी है, ये देखो देखो कान कितनी नजीरी कर दे, पता नहीं किस्मत तेज है, इनू अल्लाह ने ऐसा नीत अल्लाह पाक उतनी माल दे बहुत ज्यादा। आ जाओ ये भी दिखाएंगे इंशाल्लाह, और चीज दिखानी चाहेंगे नगे ने। एक दो माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी बकरी ली है, सारी टीम रहती ये देखो माशाल्लाह, ये देखो टॉप क्वालिटी की 2 दांत पटे, चीज देखो क्वालिटी लोही। हाँ जी ये बकरी माशाल्लाह देखो कितनी अच्छी अच्छी बकरी ली है, देखो लोग बोलते हैं 6 दांत की पट, देखो माशाल्लाह ये देखो जिसको चीज बोलते हैं नाकोड़ा, देखो ना भाई साहब नाकोड़ा देखो, देखो क्वालिटी देखो, जिसको लोग पसंद करते केरला कर्नाटक का, एक लंबर ब्रीड लाइन मिलेगी भाई साहब, पूरी एक लंबर ब्रीड लाइन, देखो माशाल्लाह देखो लाख 2-2 लाख रुपए बोलते हैं। ये देखो भाई साहब को 40,000 की बकरी लेके दी है, जिसकी 1.39 हाइट है, 36,000 की, 36,000 रुपए की बकरी लेके दी है, चेहरा देखो माशाल्लाह, इसी के लाख रुपए मांग लेते लोग भाई। 60,000 की मैं खरीदता हूँ, मैं खुद खरीदता हूँ 60,000 की ये बकरी को, मैं खुद गिरा को, पर इनका नसीब है 36,000 रुपए की बकरी मिली है जी, है जी 3 महीने की गाबन है माशाल्लाह। सारा माल देख लो, दिखाओ पूरा माल, नंबर 1 टॉप क्वालिटी का मिला है माशाल्लाह जी, अच्छी क्वालिटी। तो दोस्तों देखिए बेहद शानदार खरीदारी हुई है, और स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं भाई के, जो भी जानकारी लेनी है सीधा हासिल करें, और सभी भाइयों का धन्यवाद जो भाई सपोर्ट करते हैं। जी कहना चाहूंगा जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं जितने भी मेरे चाहने वाले हैं और जितने भी भाई मुझसे प्यार करते हैं, जो भी ईमान वाले हैं, उनसे ये कहना चाहूँगा कि नमाज के वक्त मैं एक दावत देना चाहूँगा, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ तो हूँ नहीं, बस ये दावत देना चाहूँगा अल्लाह की तरफ से, जब नमाज का वक्त हो चाहे हमारा कितना ही बड़ा काम रह लो, आज शर्मा जी हमारा एक शोर डालेंगे नमाज का जी, लोग ये नहीं सोचना दिल में कि भाई नमाज पढ़ रहे बोल के लोगों को दिखा रहे, वो हमारे दिल में नहीं है, सिर्फ एक दावत का जुनून है दिल में कि भाई हमारी तरफ से किसी को दावत पहुँचे, अगर एक को भी हिदायत मिल गई तो अल्लाह हमारा बेड़ा पार कर देगा। तो ये कहूँगा मैं कि हर वक्त 5 वक्त कोई नमाज ना छोड़े, नमाज की बहुत अहमियत है, आज नमाज की वजह से अल्लाह ने मुझे ज़िंदा रखा है, इतने बड़े हादसे से मुझे बचाया है, उस टाइम भी मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता था जो अल्लाह ने बचाया है, क्या पता नमाज की वजह ही बचाया है। तो मैं सब भाइयों को यही दावत देना चाहूँगा कि भाई 5 वक्त की नमाज़ पढ़े और सब अच्छे से रहे और खुश रहे भाई साहब। दूसरी बात एक और कहना चाहूँगा कि भाई कोई भी जानवर लेते हैं, कोई भी जानवर किसी से लेते हैं, क्या होता है मेरा नाम बोलते हैं कि नजीर भाई से हम जानवर ले रहे हैं नाम, उसके बाद में माल ले जाते हैं भाई मेरे, अगर कोई मेरे से जानवर लेना चाहता है स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा, मेरे को कॉन्टेक्ट करे, रियासत से माल ले रहे हैं तो मेरे को फ़ोन करे, नजीर भाई हमने रियासत को माल ले रहे हैं, रियासत से ले सकते हैं नहीं ले सकते, मैं आपको
बताऊंगा रियासत से ले सकते हैं, लेकिन कहीं और किसी से माल लिया उसका मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि ये 15 दिन में मेरे को बहुत शिकायत आई है। नजीर भाई, हम तुम्हारे इस फार्म पे पहुंचे थे, हम उस फार्म पे पहुंचे थे, उसमें से हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ वैसा हो गया। वहाँ जाके लोग मेरे को फोन लगाते हैं कि भाई हम पुच्छो खड़े हो, पुच्छो वाला फार्म चालू है तुम्हारा यार, हम 10 बकरी ले। तो भाई मैं ये कहना चाहूँगा लोगों से कि कहीं से भी तुम माल ले रहे हो, आप गिल स्टार्ट फार्म पे पहुँच रहे, मेरे को फ़ोन करिए, मैं कहूँगा हाँ भाई पहुँच जाओ, तो मैं उसका जिम्मेदार रहूँगा। मेरे पीछे कहीं से भी माल लिया, मैं उसका कोई जिम्मेदार नहीं जी। और दूसरों को सबको मैंने बता ही रखा है, जब मैं माल देता हूँ तो पहुँचने की अगर किसी को एक नग चाहिए, दो नग चाहिए, उसकी पहुँचने की पूरी सुविधा होगी। रास्ते में चोरी हो गया वो मेरा होएगा, मर गया वो मेरा मरेगा, 8 दिन के अंदर कोई भी नग मरा उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी जी, है जी। लेकिन अगर बकरी 51 बोल के दी खाली होगी वो रिटर्न लूंगा, लेकिन कहने का मतलब यही है कि जब भी चौकसी करे लेने से पहले, कल ये नहीं बोलना कि नज़ीर भाई हम तो गए थे, हमने वीडियो देखी थी और हमने 10 नग ले लिया आपके फार्म से। भाई मैं जो बताऊंगा, अभी फिलहाल मैं जगरावा रह रहा हूँ, रियासत भाई के साथ में रहता हूँ, गिल स्टार्ट मेरा फार्म है मोगे में, अपना मोगे असलम भाई के पास भी मेरा ठिया है, जगरावा में भी ठिया है। तो आप मेरे से कांटेक्ट करें और आए जी। अगर आप एक नग लेना चाहते, दो नग लेना चाहते तो यहाँ पहुँचे और रियासत भाई से भी कांटेक्ट करें, मेरे से भी कांटेक्ट करें। लेकिन कहने का मतलब ये, कल कहना नहीं, उलाना नहीं देना मेरे ऊपर जी जी जी। पट्टा किसकी भाई? देसी देसी जी, चल देसी प्रदेसी जी थोड़े। 1, 2, 3, 10 बारह 17 हजार नू पट्ठा दा पावा। बकरी गल, बकरी गल नहीं कर रहा मैं, पट्ठो गल कर रहा, मजाक छोड़, सीरियस था नहीं गल कर रहा, मजाक ना कर तू अजमीन। क्या कर रहे हैं? मैं कि तो मजाक कर रहे हैं ना, मजाक कर रहा है वो, हक लगदी गल करेगा जदे पटाका पा दूंगा। मार क्यों मरना, इन्हें तो बहुत दूर आ कहानी देखी होई, दो देसी है कोई गल नहीं, जेडिया मर्जी हो नहीं होनी, नहीं होंगे चाचा मनिया कर, मांडिया महंगा पे नहीं होनी, इत नी हूँ चाचा पा दे बस निबड़ जू नहीं होना, बाला मार मार हो गई, पर तू चिल्ला जा कितना भी वो गलता सुन ला मेरी, कौन सी बकरी का बच्चा है चाचा, नहीं होनी क्यों पुत इधर आ, फिर ले पुत मेरे पुत का है, पुत नु मारेगा थोड़ी मोल कर दे बकरी का फंडर का, कहां से सूझेगी भाई ये, कब सूझेगी? ओ यार फंडर बकरी दस तू मोल दस, तू मोल दस कली जा, हाँ जी जुड़े का 10 कली 30 हजार मांग दिया, 15 हजार दे दू, नहीं 16 हजार नहीं, चल भाई ये जोड़ी 40 की जोड़ी दे रहे हैं, इधर आओ मैं 40 की जोड़ी दे दोगे? पैसे तो जाई लगा रहा मैं आज दीवान ने, कौन कौन सी ये दोनों है ना, इसका क्या मोल कर रहे हैं? चलो बैठी का गुलाल, इसका देख लिया तो बड़े बड़े डेड हो गए, बोलो देनी क्या पाओगी दसो, मैं क्या बोला देनी क्या पाओगी दसो, एक ही गल रास्ता तो दस, कोई रास्ता दस्या, सही दस
सही दस 20 के भाव मांगे राजू, चल 21 के भाव दे दे भाई, 22 के भाव दे, ठीक है मुल्ला हरला साई। वो लाल डब्बी उठाइए रहा क्या है उसे गब्बा ने खा ले राजी नहीं राजी हाथ मर्जू के जिद हाथ राखे राजी के मेम ना कौन सा इसका भाई गब्बन तो है नहीं खा लिए बकरी नहीं खा लिए क्या मोल कर दे बकरी का पहली बार आया मैं मंडी में बच्चा समझे गुलाल मोल की है बकरी का आप ही दस ना फिर चार हां डब्बी का की देना ले लिया काले के पास चलते हैं काला नहीं देंदा देगा काला तो नहीं देगा अपना क्या दुश्मन है काला बड़ा आदमी है दुश्मन मैं बंदूक लेके जाता है नहीं तो मेरे गोली मार देता है काला तेरे गोली मार कैसे किधर जावांगे अरे पच जाता तो मार के बंबई ज्यादा चला जाता था दादा तो खाई दे के मैंने चल बना दे इसको कारीगरी करने तो आएंगे बाद में आ जाओ ऐसे बढ़िया मिल ले शर्म कर ले इज्जत से ले ले 8000 रुपए भाई घर की बंदी भी है 6000 की देके जाएगा बाद में लिख दो तेरी तो मामा की भाई बोलो कर दो ना बोलो जल्दी लिख दो नहीं नहीं 8000 रुपए कह दिए और क्या है क्या ये ने पता लग गया 14000 क्या मतलब चलो 9000 लिख दो नहीं नहीं 9000 लिख दो अब 9000 लिख दे ठीक है बच्चों कितने पट बड़ी पट मांगदे हैगा वही काली हां ये रख भी ला ले जी रख ला ले जी हम 10 लिखता हूं और तो ते इथे ही करया जैसी बकरियां दा पहले दित्ती ने राजू आ नजीर वास्ते लेके बनिया ने उथे असी ने मामे ने बोल दी नौ लिख लो आओ जी आओ आ जाओ खान साहब क्या हालचाल है ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह आज आने के बाद में 4, 2, 6, 1, 7, 3, 10 जानवर ले लिया अभी तक जिसमें मंडी अभी शुरुआत है हाँ। अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह आज इरादा है 60-70 नक्का पर टारगेट है क्या बात है हाँ तो इंशाल्लाह बहुत जोर में आज टारगेट है और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहिए तो इंशाल्लाह कमाएंगे आज माल ही माल कमाएंगे तो दोस्तों सभी भाइयों का धन्यवाद है जो भाई सपोर्ट करते हैं हर एक वीडियोस देखते हैं इसी प्रकार जो सपोर्ट बनाए रखें अगली बार फिर हाजिर होंगे नई वीडियो नई जानकारी के साथ धन्यवाद।